टोक्यो ओलंपिक विच डिस्कस थ्रो विच 6वां स्थान हासिल करने वाली कमलप्रीत कौर दा अज पटियाला दे NIS दे बाहर भरवां स्वागत किया गया। इस मौके उत्ते कमलप्रीत ने जिथे सारिआं दा धन्नवाद किया उत्थे उसने अपनी गेम बारे बोलदिआं कहा कि अगे आउण वाले होर टूरनामेंटां विच मैं अपना वधिया प्रदर्शन करांगी तां जो इंडिया लई मैडल जीत सकां। इस दे नाल उन्हां कहा कि कोई भी टीचा इन्ना वड्डा नहीं हुंदा जिसनूं पाया नहीं जा सकदा, सानूं हिम्मत नहीं हारनी चाहीदी। इस दे नाल उन्हां कहा कि जिस तरह ओलंपिक विच खिडारियां ने वधिया प्रदर्शन किए हन तां सरकार नूं वी चाहीदा है कि उह इन्हां दा ख्याल रखन। मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है कि सर मैं पटियाला पहुंची, मेरा एड्डा वड्डा भरवां स्वागत किया गया। मैं स्पैशली थैंक यू करती हूँ सर, इतने जिहड़े बच्चे आए हैं, जिहड़े ऑफिशियल स्टाफ आए हैं, तो स्पैशली थैंक यू सर DSO सर का जिन्होंने एड्डा वड्डा मैंने सम्मान दिता। सर जी अपना एम तो अपना एक जो कॉन्फिडेंस है अपने बना के रखो, कोई भी जो आप मुकाम हासिल करते कोई भी मतलब वड्डा नहीं है, जो तुहाडे मन में इच्छा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ओलंपिक सर अपने देश का बहुत वधिया प्रदर्शन रहा, तो मैं यही अगर उम्मीद कर दी कि सरकार हुण स्पोर्ट्स वाल भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ओलंपिक एक बहुत वड्डा इवेंट है, लेकिन एड्डा वड्डा नहीं कि आप कुछ ना कर सकिए। जे तुहाडे मन में एम है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम अपना एम है पूरा एक एम लैके चलो। पेरेंट्स से कोच के संजोग तो बिना कुछ भी पॉसीबल नहीं है, जे वो ना साथ देंदे तो मैं इतनी हुंदी ना, ते उन्हां दा बहुत वड्डा संजोग रहा इस चीज। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज़। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं, ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं, ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।